मित्र भानु भाई और जो जो मित्र ये वीडियो देख रहे हैं, सूरत में 5 लाख बौद्ध है, लेकिन ये 5 लाख बौद्धों ने भी कभी दीक्षा नहीं ली है, इसलिए इनकी जनसंख्या में नाम नहीं है और इनकी जनसंख्या गुजरात में नहीं गिनी जाती है, इनके नाम सरकारी दफ्तरों में नहीं है बौद्धों के तौर पर। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से भानुभाई, उनके मित्र और मेरे बौद्ध कार्यकर्ता जो सूरत में वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर ग्रुप, प्रबुद्ध समाज का काम कर रहे हैं, सभी से अपील करूंगा कि सारे के सारे महाराष्ट्रियन बौद्धों को भी क और ख फॉर्म भरवाइए, उनको भी कानूनन रजिस्टर्ड बौद्ध बनाइए। ये कानून से मराठियों को ज़्यादा फायदा है, क्योंकि मराठों का नाम बौद्धों के लिस्ट में यहाँ सरकार के गैजेट में होगा। बड़ौदा के बुद्धिस्टों को भी मैं कहूँगा कि आपका भी नाम सरकारी गैजेट में एज ए बौद्ध नहीं है। ये जो रजनीकांत बौद्ध धम्म दीक्षा का कार्यक्रम कर रहा है, आप भी बड़े पैमाने पर क और ख फॉर्म भरिए, एफिडेविट कराइए और इस अक्टूबर महीने में होने वाली दीक्षा समारंभ में अपने परिवार के साथ कानूनन दीक्षा लीजिए, ताकि आपको सर्टिफिकेट मिले और आप आप लघुमति का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सके और सरकारी गैजेट में आप बौद्ध के तौर पर जाने जा सके। तो ये धार्मिक क्रांति तभी होगी जब महाराष्ट्रीयन समाज, जिन्होंने कभी दीक्षा नहीं ली, उनके माँ बाप ने ली थी और वे अपने आप को बुद्धिस्ट मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको कानूनी सहारा मिल जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।